फिर मंदिरों में जाके क्या फायदा, फिर इस पूजा पाठ करने से क्या फायदा, फिर तपस्या करने की क्या जरूरत है? तो अगर आपके हाथ से कोई मरा तो पाप कर्म है, हत्या ही तो है। कई बार हमारे अपने प्रियजन छूट न जाए, दोस्ती इतनी गहरी है कहीं कुछ हो न जाए, नज़र न लग जाए, ये भी हम सोचते हैं। तो हमने आकर्षित कर लिया, वो आपकी दोस्ती उनसे ख़त्म होने वाली, कुछ न कुछ ऐसा होगा। ये कंट्रोवर्सियल सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी सभी नहीं, जिनके भाव जैसे हैं वैसा ही उनको मिलेगा। साधारण जो ये लफुआ टाइप के दिमाग वाले हैं ना, हो गया बड़ी बड़ी बात लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जा रही है, बिना मेहनत के कुछ होता है। बड़े बड़े प्रतिभावान कलाकार फिल्म जगत के ये पाठ पढ़ा रहे हैं कि जुआ खेलो। नमस्कार दोस्तों, आज परम सौभाग्य की बात है, हमारे बीच परम पूज्य श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती जी महाराज हमारे साथ विराजमान हैं। आज हम उनसे कुछ विषयों पे चर्चा करेंगे। नमस्कार स्वामी जी, हमारे व्यूअर्स का, हमारे दर्शकों का एक क्वेश्चन है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, भाग कैसे बदलें, भाग्य उदय कैसे होता है, इसके बारे में आप हमें विस्तार पूर्वक मार्गदर्शन करें। इन दिनों लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बड़ी चर्चा हो रही है, और ये कुछ नया नहीं है। प्राचीन काल से भारत में, भले ही अंग्रेजी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना बोले, लेकिन श्रद्धा, विश्वास, दृढ़ निश्चयता, विचारों का संयम, इस रूप में इसी चीज को अपनाते रहे हैं लोग। आजकल लोग इस पे भी विचार करते हैं, क्वांटम फिजिक्स में लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। सदियों से आप भगवान बुद्ध के विचार देखें, वेदांत या उपनिषदों के विचार देखें, वो सारे विचार लगभग वही हैं जो आज के दिन में एकदम गहरा सीक्रेट जिसको कहते हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। भाग्य पे बहुत चर्चा होती है, प्रश्न उठता है कि भाग्य सही है या प्रारब्ध सही है या पुरुषार्थ सही है। कुछ लोग कहते हैं कि भाग्य बदला जा सकता है, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, भाग्य कभी बदल नहीं सकता। होई है वही जे राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। होना वही है जो ईश्वर ने रच दिया है, तर्क की शाखा बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। भारत के गांव-गांव में तथा कथित जो लोग कहते हैं कि अनपढ़ हैं या गांव के लोग हैं, वो भी इस बात को समझते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि जब भाग्य में ही लिखा है वही होना है, तो फिर परेशान क्यों होना? लगन मुहूर्त झूठ सब होनी हो सो होए, फिर क्यों परेशान है आदमी? कि मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, दिन रात जगता है, दुनिया भर के खटराग है, कोई विदेश जा रहा है, पढ़ रहा है, कर्जा ले रहा है, लोन लेके काम चला रहा है, कोई अमीर हो रहा है, कोई गरीब हो रहा है, जो होनी हो सो होए, फिर दिन रात परेशान होने की क्या जरूरत है? अगर भाग्य ही सब कुछ है, ये भी एक प्रश्न उठता है। फिर कहते हैं कि नहीं, रामचरितमानस में एक वर्णन है कि नारद मुनि जब जाते हैं, पार्वती जी का जब जन्म हुआ है, तो पूछते हैं हिमाचल जी की, हे देव ऋषि, इस कन्या का भाग्य कैसा है? तो कहते हैं, उमा, अंबिका, जगदम्बा, भवानी, शैलजा, शैलपुत्री, पार्वती, दुर्गा, ये सब नाम इसके होंगे, और स्त्रियां अपनी तपस्या इसके नाम पे फलित कर पाएंगी, सौभाग्यशाली है। लेकिन तभी कहते हैं कि इसके जीवन में एक दुर्भाग्य है। पूछा, वो दुर्भाग्य क्या है? इसका पति अवगढ़ होगा, शमशान में रहने वाला होगा, उसका अपना कोई कुल खानदान नहीं होगा। आज की दृष्टि से देखें तो कोई भी वैसे व्यक्ति से अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहेगा कि हिमाचल आज के आदमी हो, तो कहेंगे अच्छा, उसका कोई खानदान नहीं होगा, कोई व्यापार नहीं होगा, घर द्वार तो होगा ना? बोले नहीं, वो भी नहीं होगा, शमशान में रहता है। तो रोने लगे पति पत्नी कि किसी भी तरह, हे देव ऋषि,
आप इस भाग्य को बदल दीजिए। तो क्या जवाब मिलता है? कह मुनीश हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा ललाट, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटनहार। जो भाग्य में विधाता ने लिख दिया उसे कोई मिटाने वाला नहीं, देव देवता भी नहीं, दानव दनुज नर नाग मनुष्य नहीं, नाग नहीं, कोई मिटा नहीं सकता। तो फिर रोने लगे, प्रश्न वही आ गया कि फिर क्यों मेहनत करें, क्यों परेशान हो, जो हो रहा होने दीजिए। फिर नहीं, सुबह उठिए, नियम करिए, संयम करिए, तपस्या करिए, साधना करिए, मंत्र जपिए, क्यों करिए, पूजा पाठ करिए, क्या मतलब है इसका, जो होना हो सो होए। क्योंकि 99% आदमी तो अपने जीवन के सुखों के लिए ही तो ये सब कर रहा है। कुछ परसेंट है जिनको मोक्ष पाना है, अब कुछ लोग अपने आंतरिक आनंद के लिए करते हैं, परमात्मा प्राप्ति के लिए और भक्ति के लिए करते हैं। बाकी 99% को तो किसी को बच्चा चाहिए, किसी को मुकदमा जीतना है, किसी को स्वास्थ्य ठीक हो जाए, किसी को धन वैभव चाहिए, किसी को मकान दुकान चाहिए। और जब कुछ होगा ही नहीं, जो लिखा है वही होना है, तो फिर मंदिरों में जाके क्या फायदा, फिर इस पूजा पाठ करने से क्या फायदा, फिर तपस्या करने की क्या जरूरत है, और फिर गुरुओं की क्या आवश्यकता है, ये प्रश्न उठता है यहाँ। तो बहुत उन्होंने विनती की। नारद मुनि कहते हैं कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भव्यो मेट स कहीं त्रिपुरारी। यदि आपकी कन्या तपस्या करे तो भाग्य महादेव बदल सकते हैं, मतलब भाग्य बदला जा सकता है। यही निष्कर्ष निकला ना यहाँ। तो कैसे भाग्य बदला जा सकता, तो कहा तपस्या से। तपस्या से भाग्य बदला जा सकता है, तो क्या कभी बदला है किसी का? बोले, तपबल रचई प्रपंच विधाता। तप से ही ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। तपबल विष्णु सकल जगत राता। विष्णु भगवान तप से ही सब कुछ चलाते हैं इसको। और तपबल शंभु करई संहारा। तप से ही इसका संहार करते हैं। और धीरे से पार्वती जी को कहते हैं, भवानी मैया को, तप आधार सब सृष्टि भवानी। हे भवानी, हिमाचल जी को नहीं पता है कि वो जगदम्बा भवानी है। और वो कहते, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहु जाई तप अस जिए जानी। जाकर तपस्या करिए, यही हृदय में जान के कि तपस्या ही सब कुछ है। तो दो बातें थी कि भाग्य या परिश्रम पुरुषार्थ। तो ये समझ में आता है कि भाग्य भी होता है, और भाग्य हमारे पूर्व इस जन्मों के पीछे के किए हुए कर्म और पूर्व जन्मों के कर्म, उसका सामूहिक परिणाम है। अच्छे बुरे जो भी कर्म हुए, एक बात यहाँ ये समझना चाहिए कि क्या कर्मों का फल मिलता है। इतना सूक्ष्म फर्क है कि समझना मुश्किल है। इसलिए ऋषियों ने कहा कि जैसा करेगा कर्म वैसा पाएगा फल। है तो हमारी दृष्टि में ये फर्क नहीं है, कर्म का ही फल मिलता है, मान भी ले, कर्म का फल कभी नहीं मिलता। तो आपको आश्चर्य होगा कि कर्म का नहीं मिलता, तो सदियों से तो यही सुन रहे हैं कि कर्म जैसा करेंगे वैसा पाप और पुण्य होगा और आपको उसी का फल मिलेगा। लेकिन हमने अभी तक जो समझा वो यही समझ में आया कि कर्म का फल सीधे सीधे कभी नहीं मिलता। आपके भावनाओं का, आपके विचारों का, उसका फल मिलता है। तो कैसे ही मिलता है? कर्म कौन करता है? हाथ करता है, पैर करता है। तो क्या हाथ के पास दिमाग है, हाथ के पास बुद्धि है, पैर के पास बुद्धि है, उसके पास आंखें हैं, वो अपने मन से कर लिया उसने? हम जो सोचते हैं वो कर्म में परिवर्तित होता है, हाथ पैर के द्वारा, मुख के द्वारा कुछ बोला जाता है, लेकिन पहले वो विचार मन में आते हैं। मन में आने के पश्चात हम कोई भी कर्म करते हैं, बाहरी दृष्टि से वो कर्म शुभ और अशुभ हो सकता है और परिणाम उसका मिलेगा। लेकिन यहाँ ये भी समझना चाहिए कि किसी की हत्या करना पाप कर्म है, सीधे सीधे पाप कर्म है। आप किस कारण किए ये भी कोई ज़्यादा मतलब नहीं रखता। सामने वाला मरा ना,
लेकिन यहीं पे पेच फंसा हुआ है कि अगर सीधे सीधे किसी को मरना हमारे द्वारा या किसी के द्वारा ये हत्या ही है, तो कोई माँ अपने बेटे को फौज में कभी भर्ती नहीं कराती, धार्मिक माँ, क्योंकि ट्रेनिंग ही मिलती है वहाँ मारने की। और वहाँ बॉर्डर पे कुछ रोज दो चार मरते ही हैं। पुलिस में भी आप एनकाउंटर होते हैं या लड़ाई होती है क्रिमिनल से और पुलिस में, उसमें भी गोली चलती है, क्रिमिनल भी मरता है, पुलिस भी मरती है। तो अगर आपके हाथ से कोई मरा तो पाप कर्म है, हत्या ही तो है, लेकिन वो हत्या की गिनती में नहीं आता है। आप कहेंगे यहाँ नहीं आएगा धर्मराज के दरबार में, तो नहीं, वहाँ भी नहीं आएगा। तभी तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि युद्ध करो, पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारे मन में उद्देश्य ये नहीं कि ईर्ष्या द्वेष, बस हम किसी का धन हड़प रहे हैं या किसी का कुछ पाना चाहते हैं इसलिए हम किसी को मार रहे हैं। धर्म के लिए आप युद्ध कर रहे हैं, तो किया गया युद्ध का कर्म भी आपका युद्ध नहीं होगा, वो धर्म की स्थापना मानी जाएगी। अब बॉर्डर पे लड़ाई हो रही है, आपने दुश्मन को मारा तो पाप हो गया ना, है तो हत्या ही, लेकिन उस समय आपके मन में विचार है देश की रक्षा, तो आपको उसको पाप की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा और आप उससे वंचित रहेंगे। तो सीधे सीधे अगर देखें तो कर्म का फल नहीं मिल रहा, आपके इंटेंशन का फल मिल रहा है, आपके भावों का फल मिल रहा है, आपके विचारों का फल मिल रहा है। तो जो कुछ भी होता है वो विचारों से होता है, विचारों की शक्ति बहुत बड़ी होती है। आज का हमारा व्यक्तित्व या हमारी परिस्थितियाँ, न केवल हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारे आसपास का वातावरण, ये सभी पूर्व के किए हुए विचारों का परिणाम है। और कल हमारा भाग्य या भविष्य वही होगा जो आज हम सोच रहे हैं। तो चर्चा हो रही थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी फार्मूला यही है कि जो आप सोचेंगे वही पाएंगे, इसलिए वही सोचिए जो आप पाना चाहते हैं। और होता क्या है, हम लोग जानते हैं कि सोचने से मिलता है, लेकिन कभी होश में नहीं होते कि हम सोच क्या रहे दिन भर। विपरीत परिस्थितियाँ आ गई, गरीबी आ गई, कर्ज आ गया, शत्रु बढ़ गए, परेशानी बढ़ गई, बीमार हो गए, तो कहते हैं कि आप कहेंगे कि सब कुछ अट्रैक्ट किया हुआ है, आकर्षित किया हुआ है। तो क्या हमने बीमारी को आमंत्रित किया था? हम तो चाहते हैं हम कभी बीमार ही ना पड़े। क्या हमने कर्जे को आकर्षित किया था? हम चाहते हैं हम धनवान रहें। क्या हमने टेंशन झगड़ा इसको आमंत्रित किया था? हम तो चाहते हैं सामंजस्य बना रहे, सब लोग सुखी रहें। नहीं, आपने किया था कभी न कभी अनजाने में ही। जैसे इसका उदाहरण समझिए कि हॉस्पिटल में गए और बहुत सारे मरीजों को देखते हैं तो एक डर सा बनता है कि बाप रे, हमसे तो बर्दाश्त नहीं होगा, कितने लोग बीमार हैं, कहीं हमको ना लग जाए। बस आपने निमंत्रण दे दिया, वो लगने ही वाला। आपको एक नई गाड़ी खरीद के लाई और दो दिन सोचना शुरू कर, कहीं खरोच ना लग जाए, आप कहीं टक्कर मारेंगे ही। साइकिल पुराने चलाने वाले जो लोग जो हैं वो हैंडल छोड़ के भी चलाते हैं, बाइक भी हैंडल छोड़ के चला लेते हैं। और आप जब पुराने रास्ते पे चलते हैं, ऑफिस से घर आते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलता कि कब आगे कार चला रहे हैं आप। गाना सुनते हुए, प्लानिंग करते हुए, फ़ोन करते हुए, गाड़ी अपने आप घूमती जा रही है, जिस जिस मार्ग से उसको जाना है आपको कुछ पता नहीं, कब पहुँच गए ये भी ख्याल नहीं आता। और नया साइकिल चलाने वाला हो, सीख रहा हो, तो 30 फीट दूर भी खंभा हो तो बेचारा घबराता है, कहीं टकरा ना जाए, कहीं टकरा ना जाए, और जाके मारेगा उसमें। तो हम गरीबी के बारे में भी चिंतन करते हैं कई बार, कई बार भविष्य में कहीं गड़बड़ ना हो जाए ऐसा भी चिंतन करते हैं, कई बार हमारे अपने प्रियजन छूट ना जाए, दोस्ती इतनी गहरी है कहीं कुछ हो ना जाए, नज़र ना लग जाए, ये भी हम सोचते हैं। तो हमने आकर्षित कर लिया, वो आपकी दोस्ती उनसे ख़त्म होने वाली, कुछ न कुछ ऐसा होगा, आप गरीब होने ही वाले हैं, ये सब कुछ आकर्षित कर रहा है, पूरा वातावरण एक दूसरे से जुड़ा हुआ, क्या कहें, एक ही इथर, एक ही एनर्जी, एक ही ऊर्जा के अंतर्गत है पूरा विश्व, लकड़ी, लोहा, आदमी, हम सब ऊर्जा से बने हैं। और जो उसके केंद्र में सेंटर इसका हो गया ना हमारा शरीर, इसमें जिस विचार करेंगे ये ऐसा चिप लगा है
कि वो एनर्जी को अपनी तरफ खींचेगा। अब उसको नहीं पता कि ये बुरी एनर्जी है या अच्छी एनर्जी है या आपको दुखद करने वाली है या सुखी करने वाली है, वो आएगी। तो बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी बार बार ये कहते हैं कि वो मत सोचिए जो नहीं चाहिए, आप वो सोचिए जो आप पाना चाहते हैं, उसकी लिस्ट बनाइए, उस पर मन एकाग्र करिए और कोशिश करके उस पर सोचिए और विश्वास करिए कि आपका है, आपको मिल जाएगा। अन्यथा जानते हैं इस विद्या को सभी लोग, लेकिन जानने के बाद भी सोचते हैं वो जो नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते कि हम गरीब हो जाएं, हम नहीं चाहते कि दुखी हो जाएं, तो उसकी चर्चा भी ना करें। हम क्या करते हैं, कहते हैं अरे बहुत गरीबी है, बहुत परेशानी है, बड़ा टेंशन है, तो हम आकर्षित कर रहे हैं उसी चीज़ों को और हम इसकी चर्चा ना करें। जैसे इस पे हम अभी एक चर्चा करें कि कई लोग कहते हैं कि भक्त लोग बहुत दुखी होते हैं, क्रिमिनल लोग बड़े सुखी दिखाई देते, तो फिर कोई पूजा क्यों करें। सारे क्रिमिनल बोले उनको सजा भी नहीं मिल रही है, वो लोग सुखी भी हैं, पैसा भी बहुत है। क्रिमिनल दृढ़ निश्चय होते हैं, आपसे एक विशेष गुण, अवगुण भी बहुत है लेकिन एक विशेष गुण है उसके पास, और वो गुण है कि वो जो उसने सोचा वो करेगा, अपने विचारों पे वो स्थिर है, मनोबल का धनी है, वो आलतू फालतू नहीं सोचता। आप कहते हैं आलतू फालतू, तो हम नहीं सोचते, हम धार्मिक आदमी, हम सत्संग करते हैं, हम अच्छे विचार रखते हैं। नहीं, आप अच्छे विचार रखते हैं लेकिन आप नकारात्मक विचार ज़्यादा रखते हैं। बोलते तो हैं कि सब भगवान करेंगे, हे प्रभु बहुत दुखी है, हे प्रभु बहुत परेशान है, बहुत समस्या है, तो आप प्रभु शब्द तो प्रयोग कर रहे हैं लेकिन आकर्षित करने के लिए नकारात्मक विचारों की सेना खड़ी की हुए हैं, और वो दुर्गा मैया के मंदिर वो भी क्रमण भी जाएगा और एक निश्चय से बस डाका डालना है और लेके आएंगे और शांति से रह रहा हो। तो प्रार्थना की बहुत बड़ी शक्ति होती है, विचारों को संयुक्त करके एक दिशा में, एक उद्देश्य में हृदय से इमोशनली उसको लगाना, यही तो प्रार्थना है। अब उच्च स्तरीय ख्याल प्रार्थना है कि हम प्रभु के साथ जी रहे हैं, अदृश्य सत्ता हमारे इष्ट, हमारे ईश्वर, और उसको हम साकार भी कर लेते हैं, यही प्रार्थना है। फिर इससे छोटी प्रार्थना ये मानी जाती है कि हम कोई तकलीफ है तो उसके लिए प्रभु को पुकार रहे हैं, लेकिन प्रार्थना का तरीका सही होना चाहिए। प्रार्थना अद्भुत चमत्कारी है, वो भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है। हम विचारों और भावों को भेज रहे हैं ब्रह्मांड में, उसको आकर्षित कर रहे हैं जो चाहिए। तो मंदिर में जाने वाले लोग दुखी दिखाई देते हैं, ये कंट्रोवर्सियल सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी सभी नहीं, जिनके भाव जैसे हैं वैसा ही उनको मिलेगा। तो दुखी क्यों दिखाई देते हैं, इसलिए दुखी दिखाई देते हैं कि वो मांगते कैसे हैं, क्या मांगते हैं, इसके लिए छूट है। कि हम नहीं कहते कि आप एकदम निष्काम भाव से उपासना करिए और कुछ मांगिए ही नहीं भगवान से, ये भक्तों के लिए छूट दी गई। संसारी लोग मांगे कोई बुरी बात नहीं, तभी तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा चतुर्विद्या भजन्ते माम जनो सुकृतोर्जुनो, हे अर्जुन चार प्रकार के मेरे भक्त हैं, आर्थ यथार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी, और ज्ञानी मुझे सबसे प्यारे हैं। रामचरितमानस भी कहता है राम भगत जग चारी प्रकारा, यही चार सीधे ट्रांसलेशन है गीता का, ये चार प्रकार के भक्त हैं, आर्थ यथार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी, मतलब जो तकलीफ में मुझसे मांगते हैं और पुकारते हैं, और दूसरा है जो वैभव पाने की इच्छा से मेरे पास आते हैं, अर्थ की इच्छा से, और तीसरे है जो भक्ति चाहिए, भगवत प्राप्ति चाहिए, जिज्ञासु है एकदम, और तीसरे जो सब जानते हैं ज्ञानी हो गए हैं लेकिन वो भी भजन करते हैं। तो ज्ञानी मुझे प्यारा है, तो इसमें हम नहीं कहेंगे कि नहीं आप निष्काम हो जाइए, मांगिए ही मांगो कोई दिक्कत नहीं। जैसे आज भक्ति का क्या तरीका है, भक्ति का तरीका यह होता है कि भगवान से प्रेम करें, मूल तो ही अहंकार विसर्जित करें, प्रभु के भक्त हैं ऐसा, हम ईश्वर ही सब कर रहा है अंतर्बन के जी। लेकिन भगवान से जब हम मांग रहे हैं, मतलब भिखारी ही तो हैं, छोटा मांगिए बड़ा मांगिए तो भिखारी ही तो हैं। जैसे एक फकीर किसी सुल्तान के पास गया,
भिक्षा मांगने की। दुनिया में मांग ही रहे तो आज सुल्तान से मांग ले, थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा, थोड़ा अधिक मिल जाएगा। तो उनके सिपाहियों ने कहा थोड़ी देर रुक जाइए, वो अभी प्रार्थना में लगे हैं। बोले वो भी प्रार्थना करता है, उसको किस बात की कमी, वो सुल्तान है। तो सुन के फकीर छुप के सुनने लगा कि ये क्या मांगता है भगवान से, खुदा से क्या मांग रहा है। तो बोले कि हे खुदा, मेरे धन बढ़ाना, दौलत बढ़ाना, मेरा राज्य ठीक रखना। तो फकीर जाने लगा, तब तक उनका पूजा पूरा हो गया था। आए, मांगो क्या मांगना। तो बोले भिखारी से क्या भिखारी मांगेगा। तो उन्होंने कहा मैं भिखारी, मैं तो सुल्तान हूँ। बोले नहीं, मैं भी एक भिखारी, तू भी एक भिखारी, मैं तुम लोगों से मांग रहा हूँ, तुम उधर से मांग रहे हो, सब मांग ही तो रहे हैं, किस बात का सुल्तान। तो एक भिखारी से भिखारी क्या लेगा, उसी से ले लेंगे हम डायरेक्ट, उसी से मैं मांग लूँगा। तो मांग रहे हैं भगवान से तो बुरा नहीं, हम नहीं कहते कि आप मत मांगिए, छोटा मांगो, बड़ा मांगो, जैसा मांगना है मांगो। लेकिन जब मांग ही रहे हैं, जब भिखारी हो ही गए, तो बड़े वाले हो जाओ ना, भगवान को ही मांग लो, ईश्वर को ही मांग लो, पूरी दुनिया आपकी हो जाएगी। एक इसके लिए छोटी सी कथा आती है कि एक मेला लगा, तो मेले में राजा ने आधी अधूरी वस्तुएं रखी, एक पैर का जूता इधर, दूसरे पैर का उधर, इस तरह से अलग अलग रख दिया, और जो भी वस्तु आप छुएंगे वो आपका। तो लालची लोग हैं, बोले आधा ही सही, मिलेगा तो सही, तो आधा अधूरा ले जाते थे। तो एक सज्जन आए, किसी वस्तु को छुआ ही नहीं, पूरे मेले का अवलोकन कर लिया, कुछ नहीं छुआ। तो राजा ने पूछा कि आपने कुछ नहीं छुआ, तो चाहिए नहीं कुछ। बोले चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन ये आधी अधूरी छू के कोई फायदा है। तो बोले क्या विचार किया। तो हमने विचार किया कि आप ही को छू लेता हूँ। राजा का पैर छू लिया, पूरा मेला उसका हो गया। तो भक्ति का सरल उपाय ये है, चर्चा हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कर रहे हैं, लेकिन सारा सिस्टम उसी के अंतर्गत है। भक्ति की सरल व्यवस्था ये है कि ईश्वर को छू लीजिए, मालिक को छू लीजिए, जो रोज रोज थोड़ा थोड़ा मांग रहे हैं, मालिक को ही मांग लिया, उसको ही अपना बना लिया, फिर सारी दुनिया अपना। तो हो क्या रहा है, मंदिर में जाते हैं, मांगने की छूट है, बार बार आप कहते हैं हे भगवान, हमारा बच्चा पिछली बार फेल हो गया था, इस बार भी कुछ गड़बड़ हो सकता है, देख लीजिएगा, कुछ करिए। तो एक बार दो बार हमने देख लीजिएगा करें कहा कि इससे हमको बचा दीजिए, और लगभग 5-10 मिनट कहते रहे बहुत तकलीफ में है बच्चा, पता नहीं क्या होगा, तो हमने इंतजाम कर दिया उसको फेल कराने का। जिन विचारों को हम बार बार रिपीट करते हैं, बार बार दोहराते हैं, और उसमें इमोशन हमारा जुड़ा होता है, वो क्रिएशन में चला जाता है, वो निर्मित होने लगता है, वो व्यवस्था बनने लगता है। तो एक उदाहरण तो ये हमने दिया कि आप परीक्षा के लिए, दूसरा मुकदमा है, अब क्या होगा पता नहीं, कल केस की तारीख लगी है, हे प्रभु मर जाएंगे, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, फिर भविष्य के जितनी नेगेटिव चीज़ें हो सकती है उस मुकदमा के हारने पे, वो देखने लगते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का खेल ही विजुअलाइजेशन का है, जो हम देख रहे हैं वही प्रकट होगा। तो हम देख रहे हैं कि अरे मुकदमा हार गए, जेल चले गए, वहाँ बहुत सारे कैदी हैं, हमारी पिटाई हो रही है, और हमारे बाद पीछे में परिवार का क्या होगा, इनकम का स्रोत सारा रुक गया, और बदनामी बहुत बड़ी हो रही है। अरे अभी कहाँ मुकदमा हारे हैं आप, लेकिन पूरी फिल्म बना ली आपने, तो बना लिया तो उसको तो साकार कर देगा। वहाँ ये नहीं है कि आप क्या नहीं चाह रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं मतलब चाह रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि आपकी इच्छा पूर्ति करें। नेचर, प्रकृति, ईश्वर, कुछ भी कहिए उसको, वो हमारे साथ घुली मिली है, जो विचार करेंगे वो प्रकट कर लेंगे हम। तो मुकदमे की बात हुई, कर्जे के लिए रोते हैं, कर्जा हो गया, बहुत लॉस में चल रही है कंपनी, डूब रही है, अब क्या होगा, प्रभु मर गए, अब तो अब फिर भविष्य का हम नेगेटिव सोचना शुरू किए, तो वो भी प्रकट हो गया, डूबते गए डूबते, और कर्जा, प्रकृति कहती है, परमात्मा कहता है, अगर हम बार बार कर्जे का चिंतन करते हैं तो इसका कर्जा बहुत पसंद है, इसको कर्जे में डुबाओ, मेरा प्रिय भक्त है, आपने
सुना होगा, एक अलादीन की पिक्चर कहानी सुनी होगी, अलिफ लैला जो अरेबियन नाइट्स की कहानी आती है उसमें, और सिनेमा भी इसके ऊपर है, अलादीन का चिराग है। तो जिसने भी ये सिनेमा देखा, हम लोग भी बचपन में भी देखा था, बाद में भी हमने देखा, जिसमें अमिताभ बच्चन है, तो मन में होता है कि काश हमारे पास भी एक जिन्न होता। और जिन्न को हम कहते हैं, वो हमसे कहता है, क्या हुक्म है मेरे आका, योर विश इज माई कमांड। तो हम कहते हैं, मेरा ये काम कर दो भाई, जिन्न जाओ करके आ जाओ। लेकिन हम, ये तो कहानी की बात है, हम लोग पास तो जिन्न आता नहीं है। सच्चाई ये है कि हर इंसान के पास एक जिन्न है, ईश्वर ने इनविल्ट जिन दे के भेजा है, और हर पल हर क्षण वो जिन कहता है, क्या हुक्म है मेरे आका। तो हमें वो नहीं सुनाई पड़ता, तो वो परेशान हो जाता है जिन, उसको काम चाहिए। तो हम जो सोचते रहते हैं उसी को जिन पकड़ लेता है। ओहो, बॉस का आदेश ये है, कर्जा बहुत बढ़ गया, मतलब कर्जा बढ़ना इनको अच्छा लग रहा है, तो बॉस का कर्जा बढ़ा दीजिए। बॉस बीमारी बीमारी है प्रभु, बीमार त्रस्त हो गए, बहुत दुखी, दुख तो बॉस को बहुत पसंद है, वो जिन बढ़ा देता है। बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक कहते हैं, जैसे भारतीय संस्कृति में हम मन के को चार स्तर में मानते हैं, अचेतन, अवचेतन, चेतन और सुपरचेतन। लेकिन अभी कुछ वैज्ञानिक के रिसर्च आए हैं, मनोवैज्ञानिक का, उनका मानना है कि दो भी मान के चले तो भी काम चल जाए, ये कॉन्शियस सबकॉन्शियस। तो कॉन्शियस माइंड जो है वो अचू अलूल जलूल विचारों का अड्डा है, और हमने जो अनुभव किया कि ये जो विचार आते हैं ये वातावरण प्रभावित है, गर्मी के मौसम में है तो दूसरे विचार आएंगे, ठंडी के मौसम में तो दूसरे विचार आएंगे, मच्छर काट रहे हैं तो अलग विचार आएंगे, सामने भी जो घटनाएं घट रही है उसको देख देख के भी विचार बदलते रहते हैं, क्योंकि विचार अंदर पैदा नहीं होते, बाहर से आते हैं। तो जिस भाव में हम उस समय हैं वैसे को ही हम आकर्षित कर लेते हैं, और हमें लगता है ये हमारा विचार है, और हम उससे प्रभावित होते हैं। जहीं दंगे जहां हो रहे हो, मारा मारी हो बहुत सारी, तो दूसरे विचार आने लगेंगे। हाँ, जहां भजन कीर्तन हो रहा हो, ध्यान लगाया जा रहा हो, तो अलग विचार आएंगे। तो क्षण क्षण बदलता है। तो मनोवैज्ञानिक जन कहते हैं कि एक 24 घंटे में 60,000 विचार आते हैं औसत। तो इनको नियंत्रित करना तो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन होता क्या है, जो अवचेतन है, सबकॉन्शियस है, वो लगभग कुछ का मानना है 93% पावर है उसके पास, और 7% ही कॉन्शियस है, और कुछ का मानना है कि इससे भी अधिक है। ये वैसे ही जैसे समुद्र में एक बर्फ का टुकड़ा ऊपर दिखाई देता है बड़ा छोटा सा, लेकिन समुद्र विज्ञानी जानते हैं कि अंदर हजारों मीटर नीचे तक वो रहता है। तो छोटा सा देख के कोई जहाज उधर से जाए टकराए तो जहाज का एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ा भीतर है। तो ठीक ऐसे ही जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस है, भीतर बहुत बड़ा है, और वही सारा खेल खेल रहा, वो जिन वही है, चिराग का जिन जो है वो हमारा सबकॉन्शियस है। तो जो भी हम सोचते हैं, तो आप कहेंगे सोचते तो बहुत तरह के हैं, तो सब हो जाना चाहिए था भाई। हम सोचते हैं कि हम अमीर बन जाए, हम सोचते हैं हम राजा बन जाए, हम सोचते हैं ऋषि मुनि बन जाए, हम स्टार बन जाए, हम मंत्री बन जाए। नहीं, वो उसका रिपीटेशन कितना है, और उस रिपीटेशन में आपके भाव कितना है, और दृढ़ निश्चय और विश्वास कितना है कि हो ही जाएगा। हम तो सोचते हैं उसमें नेगेटिव सोच लेते हैं ना। तो इस तरह से सबकॉन्शियस जो हम सोचते हैं उसको नेचर भेजता है, पूरे को नहीं, जिसमें हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, और एहसास होने लगा अंदर से कि नहीं नहीं ये गलत ही है, अगर तो कहीं ऐसा हो ना जाए। आपको थोड़ी सी घबराहट होने लगी, बुरा सोचेंगे तो कहीं घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, ये होगा। अच्छा सोच के भी वैसे ही अच्छा फील कर लीजिए तो वो होगा। ये भाव के साथ जुड़ा हुआ, केवल विचार से नहीं, विचार। अब इसी पर तो ऋषि मुनियों ने क्या किया, कहा कि जब भाव के साथ
इसी चीज़ को रिपीट किया जाए और उसको मन में ध्यान लगाया जाए, एकाग्र किया जाए उस चिंतन पे, उस विचार पे, तो इसी को सुमिरन कहा। तो भगवान को हम याद करें, उन्हीं को प्रकट करा लें। कई लोग कई तरह की बातें करते हैं, तो कुछ भी कर ले, अरे बहुत बड़ा साइंस है, हम जो बोल भी रहे हैं ये भी सुन के सामने वाले आदमी कर ही पाएंगे भरोसा नहीं है, उसके लिए उचित गाइड चाहिए। तो सुमिरन करें, तो ऋषियों ने निष्कर्ष निकाला कि राम जी से प्रेम है तो राम 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 सुमिरन करो, खूब सुमिरन करिए, उसी में घुल मिल जाइए और चिंतन करिए कि प्रभु मिल ही गए, एक दिन मिल जाएंगे। फिर आप कृष्ण कृष्ण करो, राधे राधे करो, जिस भाव में डूबेंगे, जिसका सुमिरन करेंगे, वो आपको मिलेगा। अब यहाँ भगवान की चर्चा हो रही, आप किसी पोस्ट, कोई पद, कोई मंत्रालय, कोई आप IAS PCS जो भी है, दृढ़ निश्चयता के साथ। मैं अब कई लोग कहेंगे केवल सोचे मेहनत न करें, मेहनत कौन करता है, मेहनत शरीर करता है, और शरीर को इंस्ट्रक्शन कौन देता है, मन देता है, और मन में इतना दृढ़ सोच लिया आपने कि प्राप्त कर ही लेना है, तो सोने नहीं देगा शरीर को, मन पढ़ाएगा आपको, आपको मेहनत करवाएगा, परिस्थितियाँ उत्पन्न करेगा, आप दिन रात एक कर दीजिएगा। और जो साधारण जो ये लफुआ टाइप के दिमाग वाले हैं ना, वो क्या बड़ी बड़ी बात लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जा रही है, बिना मेहनत के कुछ होता है, अरे तो मेहनत करता कौन है, शरीर करता है, और मेहनत करने के लिए शरीर को प्रेरित कौन करता है, आदेश कौन देता है, मन देता है, विचार देते हैं। विचार जब ऐसे हो गए तो आपका शरीर तो भागेगा, विचार ही हो गया कि छोड़ो आज ठंडी बहुत है, उठते ही नहीं, तो आप कर लीजिए मेहनत, और विचार दृढ़ है कि नहीं 4 बजे उठना ही है आपको, दौड़िए जाके, मिलिट्री में भर्ती होना है। यहाँ जो फर्क करते हैं कि अरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बड़ी बड़ी बातें की जाती है, बिना मेहनत के कैसे होगा, है धन ऐसे ही आ जाएगा सोचने से, वो सोच परिस्थिति उत्पन्न करता है, उस परिस्थिति उस अवसर को आपको बुनाना है, आपको उसके लिए मेहनत करना है, परिस्थितियाँ वो देगा, आपके लिए संभावनाएँ बनेंगी और सब होगा। अब धन के बारे में भी कहते हैं, एक हमने कह दिया था, वो हमारा कहा हुआ नहीं है, जोजेफ मर्फी का कहा हुआ कि 7 मिनट तक मनी मनी करिए, तो केवल मनी मनी शब्द नहीं है, आप धन को सोचिए कि वो प्राप्त होगा, तो धीरे 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 परिस्थितियां भी आकर्षित होंगी और आपका शरीर विचार प्लानिंग शुरू हो जाएगा, आपका मन को योजना बनाएगा, फिर आपका कोई पार्टनर मिलेगा या बिना पार्टनर का होगा, आप धीरे 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 धन प्राप्ति की ओर बढ़ेंगे। और एक चीज़ बहुत जो आजकल विचारक लोग कहते हैं कि 6% लोगों के पास दुनिया का सारा पैसा है, और अभी कुछ पार्टियां कहती हैं सबका पैसा हम सबको बांट देंगे, लेकिन ये आज ही नहीं हुआ है, मार्क्स और लेनिन के सिद्धांत भी यही थे, कम्युनिस्ट पार्टी के रसिया में यही प्लानिंग की गई थी कि भाई एकता समता रहनी चाहिए, अमीरी गरीबी नहीं रहनी चाहिए, तो बांट दो सबको। और मनोविज्ञान कहते हैं कितना भी बांट दीजिए विचार तो नहीं बदल देंगे, वो फिर गरीबी का चिंतन करेगा, 6 महीने 1 साल 2 साल में वो सारे गरीब गरीब हो जाएंगे, फिर वही 6% लोग अमीर हो जाएंगे। तो बोले नहीं, मेहनत से पैसा आता है, सोचने से कोई पैसा कमा सकता है, सोच का मतलब है एक सकारात्मक पॉजिटिव प्लानिंग, सूक्ष्म तंतुओं को, सूक्ष्म वातावरण को आकर्षित करना, ये भी एक साइंस है, और उसके साथ जब विचार आप शुरू करेंगे तो आपका मन उस दिशा में बढ़ेगा, परिस्थितियां बनने लगेगी, फिर शरीर से मेहनत तो करना ही है, 24 घंटे सबके पास है, कोई सोता है, कोई पिक्चर देखता है, कोई चलता है, उसी में कहता बहुत मेहनत आपने की, अरे क्या मेहनत, 24 घंटे में ही तो किया, उसमें 8 घंटे सो भी गए, कभी कभी 4 घंटे सोए, 5 घंटे सोए, किसी दिन 15 घंटे सो गए, हर आदमी का रूटीन ऐसे ही मिली जुली सरकार है। तो इस तरह से धन के लिए कहा जाता है, तो कहते हैं कि अगर केवल मेहनत से धन मिलता तो जो लोग बोरा ढोते हैं, बचपन में हम कोलेरी में रहे तो उस बाजार में देखते थे बहुत मेहनत का काम, एक एक क्विंटल का बोरिए से कांटा लगा के लोग उठाते थे, डालते थे, दिन भर ये काम करते, और शाम को कितना मिलेगा, उसमें 50 रुपये मिलता होगा दिन भर का, आजकल 500 रुपये मिलेगा। तो वो उसके पिताजी भी वही करते थे,
दादाजी भी वही करते थे, वो क्यों नहीं अमीर हो गया, इतना मेहनत किया उसने। कोई अमीर बता दे दुनिया में, अंबानी टाटा कोई भी हो, जो इतना मेहनत करता हो, 10 घंटे 12 घंटे एक क्विंटल की बोरी उठा रहा है, इतना मेहनत कर पाता है कोई? नहीं करता। एक पान की ठेली लगाने वाला 12-1 बजे तक भीड़ जहाँ है वहाँ पान लगाता, ये सब खराब हो जाता है कत्था चूना लगा के, कितना अमीर होता। अब भले ही परिस्थितियाँ दूसरी लग रही कि पकौड़ी वाले चाय वाले भी अरबपति हो रहे, तो मेहनत के कारण नहीं, नहीं तो सब पकौड़ी वाले अरबपति हो जाते, सब पान वाले हो जाते। सोच उसकी है अमीरी की। और बड़े लोग जितने हुए, उनके बाप दादा थोड़े पीछे जाएं तो सामान्य लोग थे, लेकिन उनके मन में दृढ़ इच्छा शक्ति थी, नकारात्मकता नेगेटिव थिंकिंग नहीं थी कि हम क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, आज की परिस्थितियां तो ऐसी है, बहुत कुछ करेंगे तो कहां तक कर पाएंगे, ये सोच नहीं थी। उनकी सोच थी हम करने वाले हैं, ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, हम करेंगे, मेहनत करेंगे और हम बनाएंगे साम्राज्य। और वो क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि नहीं है उसको सोचिए कि हो गया हमारा, जब है ही तो सोचने की जरूरत क्या है। समस्या यही खड़ी हो जाती है, लोग सोचते कुछ है नहीं, सब उल्टा पलटा है, कैसे सोच ले हम। कहते हैं ना, वचने का दरिद्रता, बोलने में कौन सी गरीबी, पैसा लग रहा है, तो हम तो कहते हैं सोचने का दरिद्रता, जब सोचना ही है, केवल सोचने के लिए आपको कहा जा रहा, तो सोच लो भाई। जित स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि मिट्टी के लोदे की कल्पना करके तुम कभी भीमसेन नहीं बन सकते, अपने बारे में जो सोचोगे, जैसी श्रद्धा अपने लिए रखोगे, आप वैसे ही हो जाएंगे और समाज भी आपको उसी रूप में स्वीकार करेगा। कहेंगे अरे हम तो सामान्य आदमी हैं, गए गुजरे आदमी हैं, हम गरीब आदमी, रहो गरीब तुम। जो सम्राट होते हैं, जो शासक होते हैं, जो प्रतिभावान होते हैं, उनका तेवर होता है, पैसा रहे या ना रहे, गरीबी रहे, कोई व्यक्तित्व थोड़े पैसे से खरीदा जा रहा है। उसकी चाल देखिए, उसके बोलने का स्टाइल देखिए, किसी भी विपरीत परिस्थिति में रहेगा वो झुकेगा नहीं। फिर वही इतिहास बनाते हैं, और यह हम इतिहास की किताब पढ़ के सोचते हैं कि अरे कैसे होगा, ये तो बड़ा मेहनत का काम है, लोगों ने किया, चलो आओ लूडो खेलते, रम्मी सर्कल खेल के पैसा कमा लेंगे, लूट रहे हैं सब, बर्बाद कर दिए सबका मेहनत चिंतन, सब खत्म। ये सब आलतू फालतू गिरी में, ये एक तरह से पहले जुए को बुरा माना जाता था, कलयुग का वास है कहा जाता था। अभी बड़े बड़े प्रतिभावान कलाकार फिल्म जगत के ये पाठ पढ़ा रहे हैं कि जुआ खेलो, एक दिन में कहो, इन्हें कहते पढ़ो, मेहनत करो, अच्छा चिंतन रखो, दृष्टिकोण ठीक रखो, आदर करो अपने बड़ों का, नहीं नहीं आप जुआ खेलो और आप हो जाएंगे महान। मंदिर में चर्चा जो हो रही थी कि मंदिर में गए तो आपने कहा कि हम दुखी हैं भगवान, बहुत कर्जा है, तो कर्जा बढ़ेगा। आप मुकदमे की चर्चा हो रही थी तो मुकदमा हारेंगे, तो मांगना क्या चाहिए, कैसे हम मंदिर में प्रार्थना करें। जो नहीं है और जिसकी तकलीफ है उसको न मान के जिससे तकलीफ दूर हो जाए वो मांगे भगवान से। क्या मांगे, गरीबी है तो मत बोलिए कि कर्जा है प्रभु, गरीबी है कुछ कर दीजिए, आप बोला बोलिए धन दीजिए, मुझे धन चाहिए, और विश्वास करिए कि हमारा ईश्वर बहुत कृपालु है, वो हमें धन देगा, जरूरत से ज़्यादा देगा, ये विश्वास भी साथ में करिए। फिर मंदिर में जाइए तो बच्चा अगर फेल हो रहा है तो क्या करें, आप बोलिए बच्चे को बढ़िया नंबर दिलवाइए, ये मत बोलिए फेल हो जाएगा क्या होगा पता नहीं। मुकदमा हार गए थे तो बोलिए कि मुकदमा जीतवाइए प्रभु, बस और कुछ चाहिए नहीं, बस जीत ही गए हम, ऐसा मान के समस्या है नेगेटिव करते। दुर्गा सप्तशती अगर पढ़े तो आपको मिलेगा रूपम देही जयम देही, ये नहीं कर रहे हैं कि कुरूपता दूर करी, कुरूपता दूर करिए और हार रहे हैं तो जीतवाइए, बोल रहे बस रूप दीजिए, विदय दीजिए, वैभव दीजिए, श्रद्धा मेधाम यश प्रज्ञम विद्यम पुष्टिम श्रेयम बलम तेजायुष्यम आरोग्यम देहि मे हव्यवाहनम। श्रद्धा मेधा यश प्रज्ञा प्रतिष्ठा, वो निगेटिव चीज़ें हैं ही नहीं, यही प्रार्थना है कि ये हमको चाहिए। देखिए आप सकारात्मक चीज़ों से भर जाएंगे, जीवन में आनंद ही आनंद होगा। अब किसी ने कहा, एक वीडियो है हमारा जिसमें हाउ टू चेंज योर डेस्टिनी,
तो बोले कि आपने कहा कि पैसा मिलेगा, चिंतन करेंगे, तो हम तो बहुत दिन से कर रहे हैं, कुछ मिला ही नहीं अभी तक। तो हमने कहा कितने पैसे का चिंतन किया? बोले ये तो ध्यान ही नहीं दिए। तो मान लो आपका पैसा बैंक में है 100 करोड़ रुपए, और आपने चेक साइन भी कर दिया, लेकिन आपने अमाउंट ही नहीं भरा है, आप ही का पैसा आपको नहीं मिलेगा। आप फिक्स क्या चाहते हैं वो आप इसमें बताइए, फिर उस पर भाव करिए, उसके साथ लगिए, उस पर चिंतन करिए और विजुलाइज करिए, उसको आप साकार करिए, फिर आपके विचार उसी दिशा में चलेंगे, तो आपके हाथ पैर उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत करने लगेंगे। यहाँ बार बार हम संकेत इसलिए कर रहे हैं मेहनत की, कि लोगों का प्रश्न होता है कि बिना मेहनत के कैसे। तो पहले तो उदाहरण समझा दिया हमने कि बहुत मेहनत वाले कितने अमीर, और बहुत रटने वाले कितने UPSC पास किए। कम भी मेहनत किया, सही दिशा में किया, सही तरीके से किया, तो IPS है। और कई लोग 10-10 अटेम्प्ट मारते हैं, कुछ होता नहीं, बस कोचिंग खोल के फिर बैठना पड़ता है। और मजा तो ये है कि छोड़ के दूसरों को IAS बना दे रहे हो लोग। अब एक बात याद आई कि ये बार बार हम सुनाते हैं कि फिल्म का एक डायलॉग है, सच्चे दिल से किसी से मोहब्बत करें तो सारी कायनात दिलाने के लिए मदद करती है। तो आज लोग कहेंगे कि आप फिल्मी डायलॉग क्यों सुना रहे हैं, हमने किसी बच्चे से सुन लिया, तो इसलिए दोहरा रहे हैं कि अच्छा लगा। तो आपका कहना होगा कि क्यों अच्छा लगा? एक चौपाई है रामचरितमानस की, जेहि के जेहि पर सत्य सने हो, सोते ही मिले ही न कछु संगति हो, जिसका जिससे ट्रू लव हो जाए वो उसको मिल ही जाएगा, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती, ब्रह्मांड की पूरी शक्तियां उसको दिलाने के लिए लग जाती है, कायनात की पूरी शक्तियां लग जाती है। जेहि के जेहि पर सत्य सने हो, सोते ही मिले ही न कछु संगति हो, ये जो फिल्मी डायलॉग है लगभग उसी का अनुवाद जैसा है, भले ही लेखक को नहीं पता, वो अपने भाव से लिख दिया उसने, वो ब्रह्मांड में विचार तो घूम ही रहे हैं कि सच्चे दिल से किसी से मोहब्बत की जाए तो सारी कायनात दिलाने के लिए मदद कर रही है। स्वामी शिवानंद यही बात अपने जो राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम, उनको कही थी बहुत छोटी उम्र में। उनके अपनी जीवनी में ये घटना है कि उनके मन में यही था, जो उर्दू में लिखा है और गुलजार की आवाज़ में है, कि मैं बचपन से आसमान में परवाज करने के ख्वाब देखा करता था। बड़ी मुश्किल से बहन बुआ जी का चूड़ी बेच के सोने का, उससे पढ़ने का खर्चा हुआ, एडमिशन हुआ, दिल्ली में एक एग्जाम हुआ और एक इंटरव्यू था देहरादून में। तो वो चाहते थे कि देहरादून वाले में सक्सेस हो जाए, दिल्ली वाले में सेलेक्ट हो गए। यहाँ जब आए, पैसा भी कम था और 30 लड़कों में से एक को सिलेक्ट करना था, इनका नंबर 7वां आया। निराश होकर बोले मेरा मन डूब गया, एकदम दिल बैठ गया, बहुत तकलीफ में मैं ऋषिकेश आया, गंगा जी में स्नान किया और वहीं एक स्वामी जी थे, तो पूरा वर्णन किया, एकदम बुद्ध जैसे दिखाई देते थे, उनके पास जाके बैठे बड़ी शांति थी। उन्होंने पूछा कि बेटा क्यों तकलीफ में हो, क्या बात है? तो बताया मैंने, तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, विश्वास करो उस अजली बंधन पे जिसने सृष्टि बनाई है, कल सवेरा फिर होगा, सूरज फिर निकलेगा, रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, जो तुमने सोचा है वो होगा, क्योंकि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति से जो हम सोचते हैं वो कायनात में पूरे ब्रह्मांड में जाता है, और उससे संबंधित शक्तियों को जो साकार कर सके आपके सपने को लेके आपके ऊपर फिर से आ जाता है। इसलिए ये एकदम सच्ची घटना बताई जा रही कि विश्वास करो, और दुनिया ने देखा, इतिहास गवाह है, इतने बड़े परमाणु के वैज्ञानिक हुए और सर्वोच्च पद भारत सरकार के राष्ट्रपति के पद पे रहे। तो इसमें बहुत बातें हैं, लेकिन अभी एक बात बता के ये सेशन हम करेंगे कम, कि सोचे कैसे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या किया जाए जिससे कि हम अनजान आदमी, साधारण सामान्य स्तर का विद्यार्थी या व्यापारी कैसे लक्ष्य प्राप्ति कर ले। तो उसका सरल तरीका यह है कि सब कॉन्शियस उसी को पकड़ता है जो हम सोचते हैं। तो हम अच्छे विचार लाए कहाँ से सोचने के लिए?
तो सबकॉन्शियस को चीट करने का एक तरीका है। वो तरीका ये है कि आप महापुरुषों की जीवनी पढ़िए। जीवन में तीन चीजें हैं, दृश्य, दर्शक और दृष्टा। ये हमारे बहुत उच्च स्तरीय वेदांत का नियम है, अष्टावक्र का भी सूत्र है और मैक्सिम गोर्की ने भी अपनी पुस्तक में लिखा है, दृश्य, दर्शक और दृष्टा। तो आप कहेंगे ये क्या है? जब आप सिनेमा देखने जाते हैं तो एक पर्दे पे जो सीन चल रहा है वो दृश्य है और ये जो शरीर है वो देख रहा है, ये दर्शक है। इसके पीछे जो ये है कि हमारा शरीर देख रहा है, ये है दृष्टा। कुछ देर तक तो दृष्टा, दृश्य, दर्शक तीनों रहते हैं, थोड़ी देर के बाद दृष्टा गायब हो जाता है। हम देख रहे हैं, ये बॉडी देख रहा है ऐसा लगता है, और थोड़ी देर के बाद दर्शक भी गायब हो जाता है, हम दृश्य हो जाते हैं। अगर हीरो को मार लगी तो हम रोने लगते हैं, और अगर विलेन पीटता है तो हम भी हाथ उठा के और थोड़ा बहुत अच्छा मजा आ गया ताली मारो। जैसे आप देखते फुटबॉल मैच देखने जाए तो जिस पक्ष में आप वहाँ पे बैठते हैं आपका पैर चलने लगता है, अरे इधर गलती कर दिया, इधर मारो, उधर मारो। कुछ लोगों को देखेंगे क्रिकेट के मैदान में वहीं से बॉलिंग करते रहते हैं, कुछ लोग ऐसे ऐसे भी करते रहते हैं, उनको पता सोच रहे हैं वो चल रहा है, तो हम दृश्य हो गए वहाँ। ठीक ऐसे ही जब हम पुस्तक पढ़ते हैं, किसी महापुरुष की जीवनी पढ़ें, तो हम उसमें दृश्य हो जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस यदि पढ़ रहे हैं तो सबकॉन्शियस को पता नहीं कि हम पढ़ रहे हैं, उसको लगता है बॉस का चिंतन चल रहा है और यही ये होना चाहते हैं, वो पकड़ता है थॉट को। हम तो खो गए उस चिंतन में पढ़ते पढ़ते, और सबकॉन्शियस को लग रहा है कि ओरिजिनल है, इसकी सोचें, तो वो आपको सुभाष चंद्र बोस के कैरेक्टर में खड़ा करेगा। आपकी परिस्थितियाँ उतनी मजबूत, उतना आत्मबल संपन्न, आपका स्टाइल, आपकी चाल वैसा कर देगा। आप स्वामी विवेकानंद बार बार पढ़ते रहिए तो आपका कैरेक्टर, चाल चलन, बोलने का सब कुछ वैसा होने लगेगा और वातावरण भी बदलने लगेगा। तो इसलिए जिंदगी में सफलता के लिए, अभी कहते हैं एक पुस्तक आई थी न्यूरोसाइकोलॉजी फॉर सेल्फ डिसिप्लिन, डॉक्टर कार्ल प्रिब्रम हैं इसके बड़े मनोवैज्ञानिक, तो बोले कि पहले तो गोल निर्धारित करो भाई, पहले तो लक्ष्य निर्दिष्ट, आपका लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य के अनुरूप रोल मॉडल तैयार करिए कि कौन उस, हम जो होना चाहते हैं उसके लायक कौन है, उसको पढ़िए, वो जिंदा हो जाएगा आपके अंदर। तो वो वर्णन करते हैं सिकंदर का, 17 साल की उम्र में वो विश्व विजय के लिए घर से निकला, कितना सफल हुआ अलग बात है, मेहनत किया लेकिन बहुत बड़ा नाम हुआ दुनिया का, विश्व विजेता सिकंदर कहा जाता है। तो उसका रोल मॉडल था हरकुलस, उनके यूनान के देवता होते, बड़ी शक्तिशाली थे, तो 14-15 साल में हरकुलस टाइप हो गया था सिकंदर, सोच सोच के। तो हम जिसके जैसा बनना चाहते हैं पहले तो क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं ये डिसाइड करें, फिर क्या दुनिया में उस तरह के काम किसी ने किया है, बड़े से बड़े लोग, फिर उनको पढ़ना शुरू करें। आपका सबकॉन्शियस फंस जाएगा, उसी को आपको देने लगेगा, बनाने लगेगा। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, और भी प्रश्न हैं तो कभी हम लोग इस पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।